बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम प्रेजेंटेशन आज देखने लगे हैं, दैट इज़ बेसिकली अबाउट द आई बॉल। जब हमने आई सारी स्टडी की थी तो हमने देखा था हमारे फेस पे जो विजन ऑर्गन ऑफ द विजन है, दैट इज़ बेसिकली द आई। आई में अगर आप देखो तो आप ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि सबसे पहले जो आपको लिड नज़र आ रही है, हमने लिड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि व्हाट एक्चुअली इज लिड। मेड अप ऑफ स्किन है, सबकुटेनियस टिश्यू है, टार्सल प्लेट्स थे, टार्सल प्लेट के बाद ग्लैंड्स थे, अभी हम आगे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, और इसके बाद आई लैशेज हैं। ये इनर कैंथस ऑफ आई है, दिस इज़ आउटर कैंथस ऑफ आई, ये लोअर लिड का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर आपको जो आई नज़र आ रही होती है, दिस इज़ बेसिकली जो आई बॉल का पोर्शन नज़र आ रहा है, ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है अंदर की तरफ आई में फिट है, एक बॉल की तरह का, फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द आई बॉल। आई बॉल के भी अगर आप पार्ट्स देखो तो वाइटिश पोर्शन है, दैट इज़ द स्क्लेरा, और उसके बीच में आपको ब्राउन सा पोर्शन नज़र आ रहा होता है, दैट इज़ किसी का ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द पिगमेंटेड सेल, दैट इज़ नोन एज आयरिस। जब आयरिस के बीच में आप देखते हो तो ये जो बीच में सर्कल नज़र आता है, दिस इज़ अ होल, ये जो होल है, दिस वेरी द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट इज़ एंटरिंग इन टू द आई। ये उसको कर्टन लाइक है या स्फिंक्टर लाइक एक्शन की वजह से अमाउंट ऑफ द लाइट जो है उसको गार्ड कर रहा होता है या उसको मैनेज कर रहा होता है, दैट इज़ नोन एज द प्यूपिल। उसके बाद हमने बोनी सॉकेट देखा। बोनी सॉकेट जब हमने देखा था कि बोन में जो फेस की बोन जो प्रेजेंट है उसमें कौन कौन सी बोन्स थी, कि उसका रूफ है, उसका मीडियल वॉल है, उसकी फ्लोर है, एंड देन द लैटरल वॉल, एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ द ग्रुप ऑफ द बोन दैट आर फॉर्मिंग द डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी ऑर्बिट। फिर हमने उसके बाद देखा इस वाले बोनी ऑर्बिट को हमने फिट कैसे किया हुआ है। उसके बीच में सबसे पहले हमने एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर रखा, दिस इज़ बेसिकली द आई बॉल। अब उस आई बॉल के ऊपर देखो तो हमने उसको मूव करने के लिए, इस बॉल की मूवमेंट्स इन टू द डिफरेंट डायरेक्शन, ताकि वो डिफरेंट डायरेक्शन से देख सके, हमने उसको डिफरेंट मसल्स के साथ बाइंड कर दिया। जो इसके लैटरली जाएगा दैट इज़ द लैटरल रेक्टस, जो इसके मीडियली रन कर रहा है दैट इज़ द मीडियल रेक्टस, जो इसके ऊपर अटैच करेगा सुपीरियर रेक्टस, जो इसके नीचे अटैच करेगा दीज आर द फोर रेक्टा, जो सीधे सीधे कह लो कि एक बॉल के ऊपर वाले पोर्शन पे जो अटैच करेगा सुपीरियर रेक्टस हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन पे मीडियल रेक्टस, साइड पे मीडियल इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड द लैटरल रेक्टस। और अगर आप गौर से देखो तो ऑल ऑफ दीज मसल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन, सेम टेंडनस ओरिजिन, जो कि टेंडनस ओरिजिन कहाँ लगी हुई होती है, वो लगी हुई होती है यहाँ पर सुपीरियर ऑर्बिटल जो फिशर और ऑप्टिक कैनाल के सामने, जो बीच में एक टेंडन सा लगा हुआ होता है, रिंग्स लगा हुआ होता है, उससे ये सारे मसल्स अपनी अपनी पोजीशन से अराइज कर रहे थे, कि मीडियल पार्ट मीडियल रेक्टस अराइज करेगा, लैटर लैटर रेक्टस से, सुपीरियर सुपीरियर रेक्टस से, और इन्फीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द एनुलस रिंग से अराइज कर रहा होता है। फिर अगर इसके अलावा हम एडिशनल मसल्स देखें तो अगर हम देखें तो इसमें एडिशनल मसल्स कौन कौन से हमें नज़र आ रहे हैं, कि इससे बिल्कुल ऊपर अगर देखें तो मसल जा रहा है दैट इज़ पासिंग थ्रू द सुपीरियर टू द सुपीरियर रेक्टस एंड पुली के थ्रू गुजर के फिर स्क्लेरा में या आउटर जोन ऑफ द ये आईबॉल में इंसर्ट हो रहा होता है, दिस इज़ द सुपीरियर ऑब्लीक। इसी तरह से नीचे फ्लोर से जो कटता है और फिर लैटरल पार्ट लैटरल रेक्टस के नीचे इंसर्ट हो रहा होता है, दिस इज़ द इन्फीरियर ऑब्लीक। फिर एक और मसल है दैट इज़ राइजिंग फ्रॉम द सेम टेंडनस ओरिजिन एंड देन पासिंग अपवर्ड, एंड ये क्या करता है, इट इज़ गिव टू गिव राइज टू द टू पार्ट, कुछ लिड में चले जाते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई के साथ और कुछ टार्सल प्लेट के साथ, दैट इज़ फॉर्मिंग द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। ये देखें, अगर इसमें देखें तो हमें ये इसका लैटरल रेक्टस नज़र आ रहा है, नीचे से इन्फीरियर रेक्टस नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सुपीरियर रेक्टस। अगर इस वाले मसल को देखो तो ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, जो कि लिड में जाके जो है वो इंसर्ट हो रहे हैं इनटू द टार्सल प्लेट और कुछ ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई के साथ जाके मर्ज कर रहे हैं। ये जो हमारे थे दीज आर द एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल, जो मसल जो आई बॉल से बाहर प्रेजेंट थे। फिर इसमें अगर हम रिवाइज करें कि लिड का स्ट्रक्चर कहता था स्किन सबकुटेनियस टिश्यू है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई मसल्स हैं, कुछ पार्ट सिविलेटर पर भी सुपीरियरिस का है, एंड दीज आर द टार्सल प्लेट्स एंड द टार्सल ग्लैंड। ये सारा कुछ स्ट्रक्चर मिल के जो चीज़ें बना रहा है, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द लिड, और लिड के जो किनारे पे हैं दीज आर बीइंग ब्लेस्ड विद द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज द लैशेज, आई लैशेज, और उसके बीच में उसके सेबेशियस एंड द स्वेट ग्लैंड्स हैं।
फिर हमने आई को देखा तो दैट वॉज कवर्ड इंटीरियरली बाई मीन्स ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज द ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन, सिर्फ इंटीरियरली यूं करके कवर्ड थी जो लिड मार्जिन से आगे और आईबॉल को सामने की तरफ से कवर कर रही थी. दिस इज़ बेसिकली द कंजक्टिवा. कंजक्टिवा क्या चीज़ थी? एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर थी. ठीक है जी, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर है जो कि लिड के साथ यूँ अटैच होगी. फिर उसने लिड के अंडर सरफेस को कवर किया. फिर जब आईबॉल स्टार्ट हो गया तो आईबॉल के ऊपर सामने की तरफ से आगे और नीचे से भी और कॉर्निया के जंक्शन पे जाके अटैच कर दिया. दिस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज द कंजक्टिवा. ये तो सारे स्ट्रक्चर. वो उसके बाद क्या था कि इसके सारी आर्टरीज, वेन्स थी और नर्व्स थी इन सारे स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करने के लिए. जो बाकी जगह बच गई, जैसे हमने कहा कि ये जगह बाकी, इसमें इसके आर्टरीज, वेन्स और नर्व भी अगर हम रख दें, जो बाकी जगह हमारे पास बच गई उसको पैकिंग मटीरियल के तौर पर हमने वहाँ पर सारा का सारा फैट लॉबील से सारा का सारा फिल कर दिया. तो हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मोर लाइकली ऐसे बन गया कि हमारे पास आई बॉल है जो कि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके मसल्स हैं, मसल्स की वेन्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज फिल्ड बाय मींस ऑफ द फैटी टिश्यू. पैकिंग मटेरियल होके हमने आई बॉल फिट कर ली. हमने ये सारे स्ट्रक्चर पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए. अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न है दैट इज़ अबाउट द आई बॉल, कि ये वाला जो बॉल आपका सेंटर में पड़ा हुआ है दिस इज़ बेसिकली द आई बॉल. इस आई बॉल का इंटीरियर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ होता है? इंटरनल टू द आई बॉल अगर आप देखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो आई बॉल का स्ट्रक्चर है दैट इज़ कम्पोज ऑफ द थ्री कॉन्टीन्यूस लेयर. आप इसको तीन लेयर्स में डिवाइड करते हो. जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है पूरी की पूरी, यहाँ से स्टार्ट करोगे ऑप्टिक नर्व से और उसको पूरा गोल चक्कर घुमाओगे, ये जो पूरी एक सबसे आउटर लेयर सबसे बनेगी, दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज़ मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू लेयर या फाइब्रस लेयर कहते हैं. इस फाइब्रस लेयर के दो पोर्शंस हैं. जो बाहर वाला पोर्शन है वो आपका जो होगा दैट इज़ द स्क्लेरा और वो वाइटिश अपेरेंस का होगा. और जो आगे ये वाला जो आपको ट्रांसपेरेंट पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ द कॉर्निया. यानी हमारे पास जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ बेसिकली द फाइब्रस लेयर. फाइब्रस लेयर में ये वाली एक पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ द स्क्लेरा, ये आउटर मोस्ट लेयर है उसकी. ठीक है जी, आई बॉल की. और जो उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाला पोर्शन आपको ट्रांसपेरेंट और ग्लेज्ड नज़र आ रहा है. ये वाला स्क्लेरा है जो कि ओपेक है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, प्लस इसकी कन्वेक्सिटी कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्क्लेरा. दिस इज़ द कॉर्निया. तो हमारे पास आउटर मोस्ट जो फाइब्रस लेयर है दिस इज़ द फर्स्ट लेयर फाइब्रस लेयर है. ठीक है जी, फाइब्रस लेयर में हमारे पास दो चीज़ें आ गई, स्क्लेरा एंड द कॉर्निया. और इनका जंक्शन आ जाएगा, इस जंक्शन को कहती है कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन या लिम्बस. इसको भी हमें फर्दर डिटेल में करते हैं कि नंबर वन जो पहले बाहर लेयर है दैट इज़ द फाइब्रस लेयर. फाइब्रस कोट है जो कि बाहर का स्ट्रक्चर स्क्लेरा की वजह से बना हुआ है. स्क्लेरा इज़ वाइटिश इन अपेयरेंस और जो कॉर्निया है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट और उनका जंक्शन जो है कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन है. सेकेंड जब आप कोट देखते हो, सेकेंड जो इसके कोट जब आप इसके अंदर से देखते हो तो आपका सेकेंड कोट इज़ वेस्कुलर कोट. ये जो आपको येलोइश सा पोर्शन, ये रेड सा पोर्शन बीच में नज़र आ रहा है, सैंडविच बिटवीन द येलोइश एंड द वाइटिश वन, दिस इज़ द पोर्शन दैट इज़ द वेस्कुलर पोर्शन. मिडल कोट, इसको यूवियल ट्रैक भी कहते हैं. क्वेश्चन आ जाया करता है यूवियल ट्रैक पे बहुत इंपॉर्टेंटली. तो इसको मैंने बताया कि आपने कंसेंट्रिक फुल लेयर्स यूँ पूरी देखनी है. तो जो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि ऑप्टिक नर्व से शुरू करें तो यहाँ तक जो पोर्शन आता है दिस इज़ नोन एज द कोरॉइड. कोरॉइड के बाद ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द सिलरी बॉडी. सिलरी बॉडी और उसके आगे जो पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ द आयरस. यानी हमारे पास जो आपका वेस्कुलर कोट है, वेस्कुलर कोट इज़ बेसिकली मेड, वेस्कुलर कोट इज़ ये जो आपको बीच में थिन सा रेडिश सा नज़र आ रहा है, वेस्कुलर कोट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ द थ्री थिंग्स, कोरॉइड, सिलरी बॉडी एंड द आयरस. ये तीनों चीज़ें यहाँ से शुरू करें आयरस पे, ये बनाएं सिलरी बॉडी और पीछे की तरफ ये वाला ले जाएं तो दिस इज़ द कोरॉइड. ये कोरॉइड हो गया, ये सिलरी बॉडी होगी और ये आपका आयरस हो गया. तो दीज थ्री थिंग्स फॉर्म द वेस्कुलर कोट, सेकेंड कोट, मिडल कोट या यूवियल ट्रैक. और सबसे इनर मोस्ट जो आपका आईबॉल का स्ट्रक्चर बनता है, आईबॉल की जो थर्ड लेयर है, जो येलोइश लेयर है, दिस इज़ द रेटिना. रेटिना भी दो पोर्शन में डिवाइड होता है. इसका जो पीछे थ्री फे बन रहा होता है दिस इज़ द न्यूरोनल पोर्शन ऑफ द रेटिना. और जो आयरस और इसके पीछे इसके कोरॉइड के पीछे, चिली बॉडी के पीछे पड़ रहा होता है दिस इज़ द नॉन न्यूरोनल पोर्शन ऑफ द रेटिना.
तो जो रेटिना है दैट इज़ बेसिकली जो है फॉर्मिंग द पोस्टीरियर मोस्ट लेयर ऑफ द या इनर मोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो ब्रेस्ट ऑफ द आईबॉल है पोस्टीरियरली, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से फिल्ड होता है। ये जो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है दिस इज नोन एज विट्रियस बॉडी। और उसके बीच में यहाँ पर आयरिस के पीछे यहाँ जो चीज़ हो रहा लगी भी पड़ी भी होती दिस इज़ द लेंस। अब हम फर्दन फर्दन वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको देखते हैं। तो हमने सबसे पहले किया दिस इज़ द आईबॉल। आईबॉल की आउटर मोस्ट लेयर है, आईबॉल की आउटर मोस्ट लेयर वॉज द फाइब्रस लेयर। फुटबॉल की तरह अंदर आई जो होती है दैट इज़ बेसिकली एवैक्यूएटेड या खाली होती है, दैट इज़ फिल्ड विद द जेली लाइक सब्सटेंस विट्रस बॉडी के साथ। लेकिन जो बाहर उसका वॉल्स हैं दैट इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ द थ्री कंसेंट्रिक लेयर्स। जो सबसे बाहर वाली लेयर्स है वो फाइब्रस टिश्यू से है, हार्डन्ड मतलब थोड़ी कह लो कि थिक होती है, रिजिड होती है थोड़ी सी, इन द सेंस के ताकि वो शेप ऑफ द आई बॉल को मेंटेन कर सकें। इसके दो पोर्शंस होते हैं जो उसका फिफ्थ सिक्स ऑफ द सर्कल मेड अप ऑफ द वाइटिश सब्सटेंस होता है कनेक्टिव टिश्यू से, थिक लेयर से, दैट इज़ नोन एज द स्क्लेरा। और वन फिफ्थ जो इसका बनता है, वन सिक्स ऑफ द सर्कल दिस इज मेड अप ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटीरियल दैट इज़ नोन एज द कॉर्निया। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने पहले भी दिखाया तो ये जो आपका फिफ्थ पूरे सर्कल से पीछे की तरफ जा रहा है वाइट सर्कल ये कर रहा है, और ये जो आगे की तरफ आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द कॉर्निया, और ये जो दोनों का जंक्शन है दिस इज़ द कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन, और कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन को लिम्बस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो अगर आप इसको साइड से करके देखोगे तो दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट मटीरियल, और ये कॉन्टिन्यू कर रहा होता है विद द स्क्लेरा। ठीक है जी, स्क्लेरा के साथ ये कंटिन्यू कर रहा है, और ये जो जंक्शन आपको नज़र आ रहा है इसमें नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन वो ब्राउन की वजह से ज़रा ऑब्वियस हो गया है पीछे आयरिस की वजह से, ये आयरिस है। ठीक है जी, और ये प्यूपिल। अब ये जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन है दिस इज़ नोन एज अ कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन और द लिम्बस। अगर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ें व्हाट डज द एग्जैक्टली द स्क्लेरा मींस, स्क्लेरा जो है वो फाइब्रस कोट है, वाइटिश अपेयरेंस है, ओपेक है, एंड दिस इज़ अ मीडियम फॉर द पैसेज ऑफ द ब्लड वेसल जो कि सिलरी बॉडी में जो अंदर कोरोइड को पैसेज देगा फॉर द सिलरी प्रोसेस। यहाँ हमने कहा था कि बाहर की तरफ इसके पास जो है सारे के सारे मसल्स होते हैं, मसल जो थे वो कौन से थे, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, ये सुपीरियर रेक्टस लगेगा, इंफीरियर रेक्टस लगेगा, बाहर मीडियल लेटरल रेक्टस, तो इसकी ये सारी स्पेस जो है दैट इज़ फिल्ड बाय मींस ऑफ द फैट एंड द कनेक्टिव टिश्यू, तो इस स्पेस को आप कहोगे एपिस्क्लेरल स्पेस। एपिस्क्लेरल स्पेस पे ना सिर्फ मसल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू हैं बट आल्सो द ब्लड वेसल्स जो कि जो है स्क्लेरा में से गुजर के कोरोइड को जाएंगी, और ये सेपरेट होगा फ्रॉम द इनर लेयर जो कोरोइड लेयर है ये रेडिश वाली, उससे जो सेपरेट हो रहा होगा ये एपिकोराइडल स्पेस से सेपरेट हो रहा होता है। फिर अगर देखो कि जब आप ये देख रहे हो कि ये ऑप्टिक नर्व भी इसको जाके पियर्स कर रही है, ठीक है, जहाँ ये ऑप्टिक नर्व इसको प्रेस करती है तो क्या होगा, इसमें जैसे हम देखें कि ऑप्टिक नर्व ने बंडल्स में पास करना है तो इसमें छोटे छोटे सुराख होंगे जिसमें ऑप्टिक नर्व बंडल के फॉर्म में से गुजर के बाहर इमर्ज करती है। तो ये जो बंडल्स, ये जो सीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऑन द पोस्टीरियर पोल, वहाँ पर स्क्लेरा सबसे थिनेस्ट होता है और उसको आप कहते हो लैमिना क्रिब्रोजा, यानी पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन पे स्क्लेरा जब स्टार्ट होती है दैट इज़ फ्यूजिंग विद द ड्यूरा मैटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व। पहली बात जब स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द पोस्टीरियर पोल दैट इज़ फ्यूज विद द ड्यूरा मैटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जब ड्यूरा इसके ऑप्टिक नर्व इसको पियर्स करके गुजरती है तो दैट इज़ मोर लाइकली अ सीव लाइक स्ट्रक्चर, उसको वहाँ पर सीव लाइक स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेना क्रिब्रोजा कहते हैं, और वहाँ पर वो थिनेस्ट होती है। यहाँ पर ऑन द साइड ऑफ द ऑप्टिक नर्व इट इज़ द थिकेस्ट, और जूँ जूँ वो इंटीरियरली आती जाती है वो फिर थिन होती जाती है, और थिन वहाँ पर सबसे स्पेशली जहाँ पे मसल्स इसमें इंसर्ट हो रहे होते हैं। जब हमने एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल पढ़े थे तो हमने देखा था वे कॉमन टेंडनस ओरिजिन से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं और सारे के सारे जो है स्क्लेरा में जाके इंसर्ट कर रहे होते हैं। जब वो स्क्लेरा में इंसर्ट करते हैं तो जब गुजर के जाते हैं तो वहाँ पे भी स्क्लेरा सबसे ज़्यादा थिन हो जाती है जस्ट बिहाइंड द इक्वेटर, जहाँ पे आई बॉल का इक्वेटर है उससे बिहाइंड भी ये थोड़ी सी थिन होती है ताकि वो मसल्स की इंसर्शन दे सके। द आउटर सर्फेस ऑफ द स्क्लेरा है वो वाइट है और स्मूथ है, और दैट इज़ कवर्ड बाय द टेनन कैप्सूल। टेनन कैप्सूल पीछे ड्यूरा मैटर के साथ है और आगे कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन तक लगा हुआ होता है, और उसके बाद वो कवर्ड हो जाता है बाय मीन्स ऑफ द कंजंक्टिवा।
और जो इनर सरफेस है दैट इज़ ब्राउन, और ब्राउन क्यों है बिकॉज इट इज़ ग्रूव विद द सिलरी नर्व्स इन द वेसल और सेपरेटेड है फ्रॉम द कोरॉइड, यानी सेकेंड लेयर से अंदर वाली लेयर से ये सेपरेट होती है बाय मीन्स ऑफ द कोरॉइडल स्पेस, और बाहर वाले लैमिना को कहते हैं सुप्रा कोरॉइडल लैमिना, और कॉर्निया के साथ ये जंक्शन बनाती है द कॉर्नियस क्लैरल जंक्शन, और कॉर्नियस क्लैरल जंक्शन के बीच में एक वेन गुजरती है यहाँ से, इस वेन का ये जो आपको वेन नज़र आ रही है दिस इज द कैनाल ऑफ द श्लैन। अब इसमें से स्ट्रक्चर कौन कौन से गुजर के इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, हम अगर स्क्लेरा को देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहले ऑप्टिक नर्व है, फिर सिलरी आर्टरीज हैं सुपीरियर इन्फीरियर, और चार सिलरी वेन्स हैं, ठीक है जी, ये सारी की सारी जो है इसके बीच में से और गुजर के जो जा रही हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्क्लेरा इज़ ऑलमोस्ट एवैस्कुलर, और ये कंडूस कनेक्टिव टिश्यू जो बिटवीन द कंजक्टिवा और इसके कह लो कि टेनेंस कैप्सूल कंजक्टिवा के दरमियान है, दैट इज़ एपिस्क्लेरा दैट इज़ वैस्कुलर, और ये अपनी ब्लड जो कहने के न्यूट्रिशन है ये आपकी एपिस्क्लेरा और बाहर वाले ब्लड वेसल से ले रहा होता है। अब उसके बाद जो इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द फर्स्ट लेयर इज़ द कॉर्निया, अगर आप देखो तो इसकी जो पूरा का पूरा डायमीटर है इसकी कन्वेक्सिटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्निया, कॉर्निया का कह लो कन्वेक्सिटी एज़ कम्पेयर टू द स्क्लेरा ज़्यादा है, और दूसरी बात कॉर्निया इज़ ट्रांसपेरेंट बाय द स्क्लेरा इज़ ओपेक एंड इट इज़ फ्यूज विद द कॉर्निया एज द कॉर्नियस क्लेरल जंक्शन, और वह उसको लिम्बस भी कहते हैं, और ये जो कन्वेक्सिटी है वो एज के साथ साथ डिक्रीज करती चली जाती है, और कॉर्निया भी ए वैस्कुलर है, और इसकी न्यूट्रिशन जो है दैट इज़ बाय मींस ऑफ द लिम्फ दैट इज़ प्रेजेंट इन द वेरियस कॉर्नियल स्पेसेस। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉर्निया इज सेंसिटिव, सेंसिटिविटी जो है वो टू द पेन ओनली, और इसकी जो सेंसेशंस है दैट इज़ बीन टेकन अप बाय द ऑप्थैल्मिक नर्व थ्रू द शॉर्ट सिलरी नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत पूछी जाती है, एक कॉर्निया का जो इंजरी है दैट डज़ नॉट लीड टू द हीलिंग, वो हील नहीं होता, अगर वो हील हो जाए तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता बल्कि ट्रांसलूसेंट या ओपेक वाइटिश अपेयरेंस हो जाती है, इस वजह से कि इट इज़ पुअर इन हीलिंग बिकॉज ऑफ द ए वैस्कुलैरिटी। और इसके अलावा कॉर्निया में जब आप आँख में विस्क ऑफ द कॉटन आपके टच कर जाती है या पेन कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है कॉन्जक्टिवा के पीछे कॉर्निया में तो दैट इज़ हैविंग अ पेनफुल सेंसेशन, और वो पेनफुल सेंसेशन जो है दैट इज़ टेकन अप बाय द ऑप्थैल्मिक नर्व। उसके बाद जो सेकेंड कोट आप देखते हो ये देखो, अब यहाँ पे हमने इसको स्क्लेरा को भी देख लिया, कॉर्नियस क्लेरल जंक्शन को देख लिया, मोर कॉन्वेक्स पार्ट को इसको कॉर्निया को देख लिया, और इस किनारे के बीच में देर इज़ अ वेन दैट इज़ गोइंग फ्लोइंग दैट इज़ नोन एज द किनाल ऑफ द श्लैम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको कॉर्निया नज़र आ रहा है, ये आपको स्क्लेरा नज़र आ रहा है, और ये एंटीरियरली प्रोटेक्टेड होता है बाय मीन्स ऑफ द कॉन्जक्टिवल लेयर। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये जो सेकंड को ये भी आपको कॉर्निया दिखाया हुआ है, और ये भी वाइटेस्ट पोर्शन स्क्लेरा, और इसमें आपको दिखाया हुआ है कि कैसे मसल्स में इंसर्ट हो रहे होते हैं, आपने ये बात करी याद रखनी है थिनेस्ट वहाँ पर है जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है, थिन वहाँ पर है जहाँ पर मसल्स हैं, और थिक जो है दस्ट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। उसके बाद सारी की सारी आर्टरीज और जो वेन्स हैं वो इसको पियर्स करती हुई जाती हैं, फिर इसके पास एपिस्क्लेरल स्पेस बाहर की तरफ है और सुप्राकोराइडल लैमिना जो है वो अंदर की तरफ है स्क्लेरा के। सेकेंड कोट इज नोन एज अ वैस्कुलर कोट, जो वैस्कुलर कोट है दैट इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ द थ्री पोर्शन, जिसको वैस्कुलर कोट को आप यूवियल ट्रैक भी कहते हो। यूवियल ट्रैक में आपके पास तीन पोर्शंस हैं, कोरॉइड, आयरस एंड द सिलरी बॉडी, ये तीन पोर्शंस हैं। जो आप रेडिश पोर्शन देख रहे हो दिस इज़ द आयरस, यानी जो पीछे से ज़्यादा पार्ट ऑफ द आईबॉल को कवर करता है दैट इज़ दी कोरॉइड। कोरॉइड के बाद जो चीज़ नज़र आती है ट्रायंगुलेटेड सी दिस इज़ द सिलरी बॉडी, और एंटीरियरली जो नज़र आता है दिस इज़ द आयरस। जब आप कोरॉइड को देखते हो, कोरॉइड को अगर हम देखें तो क्या चीज़ होती है, कोरॉइड इज़ बेसिकली जो है वो ब्लड वेसल्स की बनी हुई एक लेयर है और साथ पिगमेंटेड एपिथीलियम की, ठीक है, पिगमेंटेड एपिथीलियम है और ब्लड वेसल्स हैं जिसकी वजह से जो है वो नज़र आपको पिगमेंटेड एपिथीलियम ये नज़र आ रही है, ठीक है, और उसके साथ ब्लड वेसल्स हैं जो ऐसे ये देखो सारा का सारा नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स बना हुआ है यूँ। ये
ये देखें यहाँ से लेके शुरू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फ्रिल लाइक प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, दिस इज द सिलरी बॉडी। ये जो फ्रिल लाइक प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, ये आपको सिलरी बॉडी और आयरस का नज़र आ रहा है। यहाँ से पीछे तक, यहाँ तक जो है जिससे तक कोराइड, कोराइड जो आपको पता चल रहा है, तो कोराइड जो प्लेक्सस है, दिस इज़ अ पिगमेंटेड लेयर ऑफ द एपिथीलियम और सेपरेट करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा को फ्रॉम द रेटिना। यानी ये जो चीज़ है ये आप देखो तो रेडिश पोर्शन इज रेटिना और ये जो आपका स्क्लेरा एक कोरॉइड है, ये वाला ब्लड वेसल्स का जो कोरॉइड बना हुआ है, इसके बाहर क्या चीज़ थी, स्क्लेरा। ये स्क्लेरा को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द इनसाइड लेयर ऑफ द ओरा से दी रेटिना। और ये पर मीन्स, और ये जो फ्रिल लाइक सब आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, दिस इज फ्रिल लाइक बाउंड्री इज नोन एज ओरा सेरेटा। और ये ओरा सेरेटा से सेपरेट से आगे की तरफ सिलरी बॉडी में कंटिन्यू कर जाता है और उससे आगे वो आयरस में। अगर हम आप इसमें देखें, यह सारी की सारी ब्लड, ये स्क्लेरा नज़र आ रहा है आपको, उसके नीचे ये कोरॉइड की लेयर है। कोरॉइड इज़ वेस्कुलर लेयर जिसमें अभी हमने पढ़ा कोरॉइडल आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो मिलके प्लेक्सस बना देती हैं, दीज आर नोन एज द कोरॉइड प्लेक्सस। और ये पोस्टीरियरली जो एंटीरियरली कंटिन्यू कर रहा होता है एट द ओरा सेरेटा, ये जो चीज़ इसका जंक्शन है, दिस इज द ओरा सेरेटा, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू इनटू द सिलरी बॉडी। और पोस्टीरियरली जो है दिस इट इज़ परफोरेटेड बाय द ऑप्टिक नर्व जिसके साथ ये फर्मली अटैच है। आउटर सर्फेस जब आप कोरॉइड की देखते हो, आउटर सर्फेस ऑफ द कोराइड जो है दैट वॉज एपिकोरा सुप्रा कोराइडल लेमिना जिसके बीच में सिलरी ये जो वेसल्स नज़र आ रही हैं, और जो इनर सर्फेस है दैट इज़ फर्मली अटैच टू द रेटिना। और वो जो रेटिना के साथ जो चीज़ की लेयर पिगमेंटेड लेयर अटैच करती है दैट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द रेटिना। दोनों जैसे दो ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसी तरह से पिगमेंटेड लेयर ऑफ द कोराइड और पिगमेंटेड लेयर ऑफ द रेटिना भी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच होते हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर डिटैचमेंट होगी तो कोरॉइड की और रेटिना की इकट्ठी डिटैचमेंट हो रही होती है। फिर जो सेकेंड बात है दैट इज़ द सिलरी बॉडी, ये जिसको इस वाले पोर्शन को आप जो कहते हो, दिस इज फॉर द सिलरी बॉडी, मोर और लेस ट्राइंगुलेटेड इन अपेयरेंस। इसकी जो ये ट्राइंगुलेटेड अपेयरेंस है, बाहर वाली जो है दिस इज़ द स्क्लेरल सर्फेस और अंदर वाली जो है दिस इज़ द रेटिनल सर्फेस। जो स्क्लेरल सर्फेस होती है दैट इज़ द स्मूथ, और जो इसकी रेटिनल सर्फेस होती है, रेटिनल सर्फेस जो है उस पर अगर आप देखो तो रेटिनल सर्फेस की पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन पे इज़ क्वाइट प्लेन, दिस इज़ नोन एज द पार्स प्लैना। लेकिन जो इसकी पोस्टीरियर सर्फेस, रेटिनल सर्फेस एंटीरियर पोर्शन होती है दैट इज़ थ्रोन इनटू द फोल्ड्स, दे दीज फोल्ड्स आर नोन एज द प्लाइकेटा, सो दीज आर नोन एज द पार्स प्लाइकेटा। यानी इसके दो पोर्शंस हो गए। जो सिलरी प्रोसेस को आप सिर्फ इस डायग्राम से वार से देखो तो आपने ये बताया कि ये स्क्लेरा आपको नज़र आ रहा है, जो स्क्लेरा से है दिस इज प्लेन, ठीक है जी। और जो इसकी इनर सर्फेस है, रेटिनल सर्फेस है, उसका पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन जो है दैट इज़ प्लेन, तो दैट इज़ नोन एज अ पार्स प्लैना। लेकिन जो इसका इंटीरियर पोर्शन है दैट इज़ थ्रोन इनटू द फोल्ड्स, और इस फोल्ड्स की वजह से इसको कहते हैं पार्स प्लाइकेटा। जब पार्स प्लाइकेटा में देखो तो आप देखो कि दे आर द फाइबर्स विच आर अटैचिंग टू द पार्स प्लाइकेटा। इस फोल्ड्स के बीच में आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, दीज फाइबर्स आर बेसिकली द लिगामेंटम जोन्यूल या जोन्यूलर लिगामेंट जो कि लेंस को इस सिलरी प्रोसेस के साथ कनेक्ट करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज कंट्रैक्शन ऑफ दीज लिगामेंट जोन्यूलर लिगामेंट के लेंस का डायमीटर जो होता है वो वेरी कर रहा होता है कि अगर तो, और अगर इसका इनर स्ट्रक्चर देखो तो सिलरी बॉडी का, तो इनर प्रोसेस में जैसे कोरॉइड पिगमेंटेड एपिथीलियम के साथ थी, इसी तरह से सिलरी बॉडी के इनर सरफेस पे भी टू लेयर्स ऑफ द पिगमेंटेड एपिथीलियम हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स हैं। फिर इसके बाहर वाली लेयर्स के पास देखो तो दिस इज़ फर्मली हैविंग द मसल्स, मसल्स इसके पास लॉन्गिट्यूडनल भी हैं और रेडियल भी हैं। तो अब अगर हम सिलरी बॉडी को शुरू से दोबारा रिवाइज करें तो हमने सिलरी बॉडी में देखा कि सिलरी बॉडी पीछे से कंटिन्यू कर रही इनटू द कोरॉइड और आगे से कर रही इनटू द आयरस, दिस इज़ बेसिकली द सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी में फिर हमने देखा इसकी आउटर सर्फेस है जो कि स्क्लेरा के साथ है, प्लेन है, जबकि इनर सर्फेस इज थ्रोन इनटू द पोस्टीरियरली प्लेन है पार्स प्लैना, और इंटीरियरली थ्रोन इनटू द फोल्ड्स दैट इज़ द पार्स प्लाइकेटा। फिर पार्स प्लाइकेटा के बीच में लिगामेंट्स लगे हुए होते हैं, दीज आर द जोन्यूलर लिगामेंट, जो जोन्यूलर लिगामेंट जो होते हैं वो लेंस को के साथ इसको यूनाइट करे होते हैं, उसको होल्ड किए हुए होते हैं लेंस को, और कॉन्ट्रैक्ट सिलरी प्रोसेस के बीच में सिलरी मसल्स होते हैं। जो बाहर वाले मसल्स होते हैं दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल,
और जो अंदर की तरफ अटैच हुए हुए होते हैं दीज आर दी रेडियल मसल्स जो लॉन्ग कहने सर्कुलर होते हैं. तो दीज आर गोइंग टू ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे लेंस का डायमीटर जो है जो चेंज हो जाता है. जो सर्कुलर फाइबर जो होते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी में होते हैं इंटीरियर टू द लेंस और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑल द पार्ट्स रिलैक्सेस द सस्पेंसरी लिगामेंट और जब सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो जाते हैं तो लेंस बिकम मोर ग्लोबुलर इन अपीयरेंस उसका डायमीटर मोर कन्वेक्स हो जाता है और ये सारे के सारे मसल्स आर सप्लाइड बाय पैरासिम्पथेटिक नर्व जो कि थर्ड क्रैनियल नर्व का एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है ऑक्यूलोमोटर नर्व थ्रू द सिलरी गैंग्लियन. अब जब आप थर्ड कंपोनेंट देखते हो इसका तो थर्ड कंपोनेंट इज आयरस. ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज द आयरस. आयरस का एक इंटीरियर एंड है और एक पोस्टीरियर एंड है. पोस्टीरियर एंड जो कंटिन्यू है इनटू द सिलरी बॉडी है जबकि इंटीरियर एंड जो है वो फ्री है. इसकी एक इंटीरियर लिमिट है और एक पोस्टीरियर दैट इज थ्रोन इनटू द फोल्ड. और आयरस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि दैट इज लेडन विद द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है. ये देखो ये दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज द आयरस. आयरस के साइड्स पे जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर फॉर्मिंग द सर्कल दैट इज द मेजर सर्कल. फिर रेडली टर्न इनसाइड करती हैं एंड देन फॉर्म द एट द फ्री एज ऑफ द जो है उसका आयरस उस तक जाती हैं टू फॉर्म द माइनर सर्कल और रेडियली रन करना शुरू कर देती हैं. इट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे डबल लेयर ऑफ द पिगमेंटेड सेल्स थे जो कि कोरोइड में भी हैं जो कि सिलरी बॉडी में भी हैं जो कि जो आयरस के पीछे भी जा रही हैं. ठीक है यू ये पिगमेंटेड लेयर ऑफ द आयरस प्लस इसकी कनेक्टिव टिश्यू लेयर और उसके बीच में ब्लड वेसल जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी इसकी वजह से आपका आयरस का कलर डिसाइड होता है. आयरस के कलर जो डिसाइड होता है तो उसकी वजह से जो आपकी ये देखो ये जो ब्राउनिश अपीयरेंस है ये ब्राउनिश अपीयरेंस इस वाले कलर में ग्रेइश अपीयरेंस कुछ बच्चों की काली ये बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द पिगमेंटेड सेल्स ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स और उसकी वजह से ये सारा का सारा जो है दैट इज़ गिविंग राइज टू द कलर ऑफ द जो है आयरस को देता है. और आयरस के बीच में देखो इस पूरे के बीच में जो होल होता है दैट इज़ नोन एज द प्यूपिल. और प्यूपिल जो है दैट ये वाला जो प्यूपिल है यानी ये कर्टन हमारा जो आयरस है वो इसका डिस्क शेप्ड है. डिस्क शेप में रेडियल फाइबर्स भी हैं ऐसे मसल फाइबर्स और कुछ जो है वो स्फिंक्टर सर्कुलर मसल फाइबर हैं जो अलॉन्ग द इनर फ्री एज ऑफ द जो है आइस बॉल है. ये जो इनर फ्री एज के साथ हैं ये जैसे पर्स की जो पर्स स्ट्रिंग के साथ खींच के होते हैं दैट इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट आई बॉल. कि जैसे आप बहुत लाइट में जाते हो और बहुत शार्प लाइट है तो आपका पीपल कंस्ट्रक्ट करता है टू लिमिट द एंट्री ऑफ द लाइट रेज. ये जो होता है दिस इज बाय मींस ऑफ द सर्कुलर स्मूथ मसल. लेकिन जो रेडियल स्पोक ऑफ द व्हील की तरह के होते हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो व्हील दिस डायमीटर इज गोइंग टू इंक्रीज. और इसकी वजह से जैसे अंधेरे में जब हम आंखें खोलते हैं और उसके पीपल का डायमीटर ज़्यादा होता है टू अलाउ द मोर लाइट टू एंटर. और ये जो फाइबर ये किस वजह से होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस रेडियली या स्पोक लाइक अरेंजमेंट ऑफ द मसल. और जो इसका सर्कुलर होता है दैट इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द डायमीटर ऑफ द पीपल. ये देखें जी ये जो आपको सर्कुलरली नज़र आ रहे हैं जैसे ब्राइडल पर्स की माउथ के ऊपर लगे होते हैं कि स्ट्रिंग लाइक इसको खींचोगे तो क्या होगा इट इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट. और जब ये वाला खींचेगा तो क्या होगा स्पोक ऑफ द व्हील की तरह ये क्या करेगा डायमीटर खींच के कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायलेट हो जाएगा इसका सुराख बड़ा हो जाएगा. ये देखें ये जो है दिस इज ब्राइट लाइट में जाते हैं तो ये नॉर्मल आप देख रहे हो आइज में. आ जाके आपने शीशे में खड़े होने और अपनी मोबाइल की टॉर्च जो है अपनी आँख में डालनी. जब आप देखोगे देन यू आर एंड ऑब्जर्व दिस ब्लैक सर्कल. ये सर्कल को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप ब्राइट लाइट डालते हो दैट इज़ गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट. और जब आप एक आँख में डाल रहे हो तो ये भी गौर करना कि दोनों आँखों का जो होता है वो एट अ टाइम कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है. लेकिन लेफ्ट आई में डालोगे तो राइट आई का खुद ब खुद ही कर रहा होगा दैट इज़ द लाइट रिफ्लेक्स. लेकिन इसी तरह से जब अंधेरे में जाते हो तो दैट इज गोइंग टू डायलेट टू फॉर्म द डायलेटेशन हो जाती है. यहाँ तक अगर हम रिवाइज करें और उसके बाद लेंस है विटियस ह्यूमर से यहाँ तक अगर अभी हम रिवाइज करें तो हमने अभी जितना भी पढ़ा है तो हमने ये देखा है कि सबसे पहले आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल थी. आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल पर अगर हमने यहाँ से देखें सबसे पहले आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल ये जा रही है दिस इज़ वॉज द स्क्लेरा. स्क्लेरा के पास दो चीज़ें थी
एपिस्क्लेरल स्पेस एंड सुप्राक्रोराइडल लैमिना। एपिस्क्लेरल स्पेस इसके बाहर है और सुप्राक्रोराइडल लैमिना इसके अंदर है। शुरू ये कहाँ हो रहा होता है, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो है वो पियर्स करती हुई इसको निकल रही होती है और ये फ्यूज कर जाता है विद द ड्यूरा मैटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व और आगे कंटिन्यू करता है इनटू द कॉर्निया एट द कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन के नीचे को लिम्बस भी कहते हैं और इसके नीचे एक वेन ट्रैवल करती है और उस वेन और एक किनाल ट्रैवल करती है, दैट इज़ द किनाल ऑफ द श्लेम। फिर हमने बताया इसके बीच में और मसल्स की इंसर्शन थी तो वहाँ पे थिनस था, थिनस जो था तो वहाँ ऑप्टिक नर्व पे था, थिन वहाँ पे था जहाँ मसल्स थे और इसको पियर्स करती भी जाती हैं जो सिलरी वेसल्स हैं एंड दिस इज़ ए वेसल स्ट्रक्चर। उसके बाद जब कॉर्निया है, कॉर्निया को अगर आप देखो दैट इज़ मोर कन्वेक्स देन द स्क्लेरा और दिस इज़ ट्रांसपेरेंट और ये ए सेंसिटिव टू द पेन होता है, लेकिन इन ये ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसकी, इस वजह से इसकी हीलिंग पुअर होती है। सेकेंड लेयर जो हमने देखी दैट वाज द यूवियल ट्रैक, वैस्कुलर कोट था। वैस्कुलर कोट में हमने जो ब्लूइश एरिया सा देखा था, लाइट ब्लू एरिया में हमने देखा कि दैट इज़ कम्पोज ऑफ द कोरॉइड सिलरी बॉडी एंड द आयरस। कोरॉइड को हमने देखा कि दैट इज़ कम्पोज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विद द ब्लड वेसल्स हैं सारा का सारा और पिगमेंटेड लेयर है जो सेपरेट कर रही होती है स्क्लेरा को फ्रॉम द रेटिना। एंटीरियरली ये कंटिन्यू करता है एट द ओरा सेरेटा विद द सिलरी बॉडी और पोस्टीरियरली इट इज़ परफोरेटेड बाय द ऑप्टिक नर्व जिसके साथ ये फ्यूज़ कर रहा होता है, अटैच कर रहा होता है। आउटर सरफेस जो है इसकी भी एपिकोराइडल लैमिना है जो कि इसको स्क्लेरा से सेपरेट कर रही है और इनर ये अटैच्ड होता है फर्मली विद द रेटिना। यानी हमने इसके बाहर के स्ट्रक्चर भी बताना है, इसका अंदर का भी बता दिया, पीछे से किसके साथ है और आगे से किसके साथ है और ख़ुद ये कैसे कम्पोज होता था, खुद इसके बीच में ब्लड वेसल का सारा जाल है अलॉन्ग विद द पिगमेंटेड सेल्स। फिर जो हमने सारा आगे लेके चले उसके बाद हमने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि इसके पीछे क्या है, दिस इज़ कॉन्टीन्यूस विद अ कोरॉइड बॉडी कोरॉइड एंड आगे क्या है, दिस कॉन्टीन्यूस एंटीरियरली विद अ आयरस। जंक्शन ऑफ द कोरॉइड एंड ये सिलरी बॉडी इज नोन एज ओरा सेरेटा। फिर बाहर इसके बाद स्क्लेरा के साथ ये प्लेन है और जो इसके अंदर वाला पोर्शन है दैट इज़ पोस्टीरियरली प्लेन सो पार्स प्लाइना और जो आगे वाला पोर्शन है थ्रोन इनटू फोल्ड सो प्लाइकेटा। प्लाइकेटा के आगे स्टोरी थी जॉनुलर लिगामेंट की, जॉनुलर लिगामेंट अटैच टू द लेंस। फिर हमने बताया कि इसके अंदर जो है दैट इज़ फिल्ड विद द कनेक्टिव, ये जो लेयर है दिस इज़ द पिगमेंटेड लेयर, इसके बीच में सर्कुलर स्मूथ मसल्स भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, ठीक है जी, जो कि इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जॉनुलर लिगामेंट भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जॉनुलर लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो लेंस जो होता है वो मोर ग्लोबुलर इन अपीयरेंस हो जाता है क्योंकि वो रिलैक्स हो जाता है। फिर हमने नेक्स्ट लेयर की आयरस की, आयरस को हमने बताया कि पीछे वो सिलरी बॉडी के साथ है जबकि इंटीरियर मार्जिन उसका फ्री है, इसका जो मीडियल मार्जिन है वो फ्री है इंटीरियर एंड और पीछे से ये प्लेन है और आगे थ्रोन इनटू फोल्ड्स है। इसके पीछे भी वही कनेक्ट पिगमेंटेड एपिथीलियम डबल लेयर कंटिन्यू कर रही होती है और कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें इनर माइनर सर्कल और आउटर मेजर सर्कल बन रहा होता है। ये पिगमेंटेड लेयर सेल्स है जिसकी वजह से आयरस का कलर डिसाइड होता है और होल बिटवीन द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द आयरस इज नोन एज प्यूपिल और प्यूपिल जो है आयरस के बीच में दो तरह के मसल्स होते हैं। आयरस के बीच में जो दो तरह के मसल्स हैं सर्कुलरली अरेंज रेडियल मसल्स, ठीक है जी, और जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज थे वो आप सर्कुलरली अरेंज सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रेडियल मसल। जो सर्कुलर मसल थे दे आर गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल जबकि जो रेडियल मसल थे दे आर गोइंग टू डायलेट द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल और बोथ आर सप्लाइड, जो आपका डायलेटर प्यूपिल है दैट इज़ सप्लाइड बाय द सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स और जो आपका कंस्ट्रिक्टर प्यूपिल है दैट इज़ सप्लाइड बाय द डिंगल वेस्टफॉल न्यूक्लियस पैरासिंपथेटिक। ये दोनों की आप इनर्वेशन कह लो या नर्व सप्लाई भी उल्टी है कि क्योंकि देखो जब आप इमरजेंसी कंडीशन के लिए आप तैयार होते हो तो देन योर प्यूपिल इज गोइंग टू डायलेट तो इट मीन्स सिंपथेटिक आउटफ्लो जो है आपका थ्रू द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन शॉर्ट द सिलरी नर्व ये जो होता है दैट इज़ गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट डायलेट द प्यूपिल जबकि जो पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई है दैट इज़ गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल। लेंस जो होती है इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट बाय कन्वेक्स इलास्टिक डिस्क जो अटैच होती है टू द मसल एसोसिएटेड विद द आईबॉल। सेपरेट करती है इंटीरियर चैम्बर को फ्रॉम द पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर फोर्थ फिफ्थ ऑफ द आईबॉल इज फिल्ड विद द जेल लाइक सब्सटेंस दैट इज़ नोन एज द विट्रस ह्यूमर।
अब थर्ड लेयर की बात आ जाएगी, थर्ड लेयर इज़ इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ द रेटिना। रेटिना को अगर हम दो डिवाइड करें तो हम रेटिना को दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि रेटिना ने भी पूरे के पूरे आईबॉल को ही सराउंड करना है। लेकिन जो रेटिना का पोर्शन जो सिलरी बॉडी से पीछे पीछे का है, दिस इज़ ओनली कंसिस्टिंग अप ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स, और वो सारे के सारे जो कह लो कि अपरेटस जो कि विजुअल एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ ओनली प्रेजेंट द इन द पार्ट ऑफ द रेटिना दैट इज़ लाइंग बिहाइंड द ओरा सेरेटा, यानी कोरोइड और सिलरी बॉडी के जंक्शन पे जहाँ ओरा सेरेटा था उससे पीछे वाला जो रेटिना है दैट इज़ ओनली कंटेनिंग द रॉड्स एंड कोन्स। तो इस वाले पोर्शन को कहते हो न्यूरोनल पोर्शन ऑफ द रेटिना। उसके बाद ये थिन एक म्यूकस मेम्ब्रेन या कह लो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में चेंज हो जाता है। उस कनेक्टिव टिश्यू लेयर को जो पोस्टीरियरली आयरस और सिलरी बॉडी के पीछे प्रेजेंट होता है दैट इज़ नोन एज द नॉन न्यूरोनल रेटिना। यानी आयरस और सिलरी बॉडी के पीछे वाले इस पोर्शन ऑफ द रेटिना को कहते हैं नॉन न्यूरोनल रेटिना, जबकि जो सिलरी बॉडी या ओरा सेरेटा से पीछे जो ये वाला इतना पोर्शन है दिस इज़ द न्यूरोनल रेटिना। इस न्यूरोनल रेटिना के पास आपके पास जो आपने स्पेशल सेंसेस में हिस्टोलॉजी पढ़ी है कि 10 लेयर्स जो हैं पूरी की पूरी होती हैं जिसकी वजह से आपकी विजन जो हो रही होती है। तो दीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन द न्यूरोनल पोर्शन ऑफ द रेटिना के साथ। यानी आगे जो कहने के हमारा रेटिना है दैट इज़ ऑल्सो थर्ड लेयर जो जो आपकी लेयर है आईबॉल की इनर मोस्ट लेयर है। इसके पास दो पोर्शंस हैं न्यूरोनल एंड नॉन न्यूरोनल। न्यूरोनल में आपका सारा विजुअल अपरेटस पड़ा हुआ है, जो नॉन न्यूरोनल है दैट इज़ नॉट हैविंग द रॉड्स एंड कोन दैट लाइज बिहाइंड द सिलरी बॉडी एंड द आयरस। फिर इसकी एंटी इधर देखें तो यहाँ पे इनर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द विट्रस ह्यूमर, वाइट आउटर सरफेस पे एक कोरोइड प्लग कोरोइड के साथ अटैच्ड है। कोरोइड की पिगमेंट एपिथीलियम और रेटिना की पिगमेंटेड एपिथीलियम आपस में बहुत फर्मली एडहेयर होते हैं, और इस फर्मली एडहेरेंस की वजह से ये दोनों आपस में सेपरेट नहीं होते, बल्कि अगर खुदा ना खास्ता कोई डिटैचमेंट हो तो दोनों की इकट्ठी मिल की हो रही होती है। फिर अगर आप देखें तो इट इज़ पोस्टीरियर, इसके बीच में जो है न्यूरोनल टिश्यू है, ये सारी की सारी न्यूरोनल लेयर्स पड़ी हुई हैं। टेन के बीच में से जब वो निकल के बाइपोलर सेल्स के न्यूरॉन्स एक्सॉन्स निकल के जब नर्व बनाते हैं दैट इज़ फॉर्मिंग द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व लीव करती है रेटिना को और फिर पियर्स करती है कोरोइड को, कोरोइड के बाद स्क्लेरा को, सारी लेयर से पियर्स करती हुई पीछे जाती है फ्रॉम द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई, पोस्ट्रोमीडियल टू द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई। ये बिल्कुल पीछे सबसे पीछे वाले के एग्जैक्टली पोस्टीरियर पोल पे नहीं होती इसके, जबकि पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई ऐसे होता है, बल्कि ये पोस्ट्रोमीडियल होती है टू द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई, वहाँ से ये इमर्ज कर रही होती है। अब ये इमर्ज जब करती है पोस्टीरियर पोल ये इधर आई से, तो आप देखो कि इस वाले पोर्शन पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं हैं, इट मींस यहाँ पर आपकी कोई भी विजन डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। तो दिस इज़ नोन एज द फिजियोलॉजिकल कप या ब्लाइंड स्पॉट, फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट, कि यहाँ से आपकी विजन नहीं जा रही। इस वजह से दिस पार्ट ऑफ द रेटिना इज़ नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। जबकि जब न्यूरोनल और नॉन न्यूरोनल पोर्शन ऑफ द रेटिना का जहाँ जंक्शन होता है अलॉन्ग विद द सिलरी बॉडी, दिस पार्ट इज़ नोन एज द ओरा सेरेटा। उसके बाद अगर आप देखो कि पोस्ट्रोलैटरली अगर हम देखें, हमने पोस्ट्रोमीडियली कहा कि ऑप्टिक डिस्क है जिसमें से ऑप्टिक नर्व गुजर के बाहर निकलती है, दिस इज द ऑप्टिक डिस्क। और उसके बाद पोस्ट्रोमीडियल टू द ऑप्टिक डिस्क देखो तो यू आर गोइंग टू सी अ डिप्रेशन। पोस्ट्रोलैटरली ऑप्टिक डिस्क के लैटरली अगर आप देखो या पोस्टीरियर लैटरली देर इज़ अ डिप्रेशन 3 मिलीमीटर लैटरली जो है दैट इज़ नोन एज द मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया में अगर आप देखो तो क्या चीज़ है कि यहाँ पर सिर इट इज़ ए वैस्कुलर एंड येलोइश अपीयरेंस, और इस मैक्यूला लूटिया के क्योंकि सेंटर में जो पोर्शन है दैट इज़ नोन एज फोविया सेंट्रालिस। इस डिप्रेशन का नाम मैक्यूला लूटिया है। मैक्यूला लूटिया के बीच में जो सेंट्री डिप्रेस एरिया है दिस इज फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस इज़ ओनली हैविंग द कोन्स, और इट इज़ द
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन जो है वो आपकी नियर विजन में बहुत हेल्पफुल होती हैं, और मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी यानी आपको सबसे ज़्यादा साफ नज़र तब आएगा जब इमेज इस फोविया सेंट्रालिस पे पड़ता है। इसकी मिस आपको एग्जांपल ऐसे देते हैं, जब आप सुई में धागा डाल रहे हो तो बहुत बारीक सुई होती है तो आपसे नहीं डल रहा होता, तो आप क्या करते हो कि अपना जिस आँख से देख के कॉन्सनट्रेट कर रहे हो आप थोड़ा सा उसको मूव ऐसे करते हो, लैटली इमीडियटली मूव करते हो फेस को, कि आपकी कोशिश ये होती है कि इन वॉलेंट्री भी कि वो जो इमेज है दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म ऑन द फोविया सेंट्रालिस के लैटरल पार्ट पे आपकी आई फॉल करे और फोविया सेंट्रालिस पे इमेज करे, ताकि आपका सबसे ज़्यादा जो अच्छा इमेज है, क्लियर इमेज है, उसकी वजह से आप वो सुई में धागा डाल सको। तो अभी तक हमने ये बात की कि हमने इसकी सबसे पहले बात की कि कहाँ से कहाँ शुरू होता है, ऑप्टिक नर्व से लेके ये सिलरी बॉडी तक है, यहाँ तक ये न्यूरोनल पोर्शन, इसके पीछे नॉन न्यूरोनल जंक्शन, जो न्यूरोनल नॉन न्यूरोनल का और सिलरी बॉडी का है, दैट इज़ द उरा सेरेटा। बाहर की तरफ कोरॉइड है, अंदर की तरफ विट्रियस है। फिर हमने ये बात की कि इसमें रॉड्स एंड कोन्स होती हैं, एक जगह जहाँ रॉड्स एंड कोन्स नहीं होती दैट इज़ द ऑप्टिक डिस्क, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो है वहाँ पर नहीं, ब्लाइंड स्पॉट की कंपनसेशन के लिए उसकी साइड के ऊपर पोस्टरलैटरली दैट इज़ हैविंग अ डिप्रेशन दैट इज़ नोन एज द मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया के बीच में एक एरिया होता है दैट इज़ द फोविया सेंट्रालिस, और उसमें कोन्स होती हैं, और कोन्स इज़ फॉर द एरिया ऑफ द मैक्सिमम विजुअल एक्विटी। ये नज़र आ रहा है आपको ऑप्टिक डिस्क, येलोश अपेयरेंस ऑप्टिक नर्व का नज़र आ रहा है। उसके साइड पे जो आपको मैक्यूला लूटिया नज़र आ रही है, देखो ये ऑप्टिक डिस्क है जहाँ से नर्व निकल रही है, और उसके लैटली आपको एरिया जो नज़र आ रहा है दिस इज़ द मैक्यूला लूटिया, और उस मैक्यूला लूटिया में जो है दैट इज़ हैविंग द कोन्स ऑन दी और मैक्सिमम विजुअल एक्विटी है। और ये जो आपको फ्रेल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जहाँ पर जो है रेटिना, कोरॉइड और सिलरी बॉडी का जंक्शन है दैट इज़ नोन एज द उरा सेरेटा, और ये सिलरी बॉडी है, सिलरी बॉडी के फाइबर जो आगे जाके बना रहे हैं दिस इज़ द आयरस। ठीक है जी, अब यहाँ देखो तो ये आपको रेटिनल पूरी की पूरे स्ट्रक्चर दिखाए में, ये आपको स्क्लेरा दिखाया हुआ है, ये कोरॉइड है, आयरस सिलरी बॉडी एंड द आयरस, नीचे वाला न्यूरोनल पोर्शन ऑफ द रेटिना है, ये विट्रियस ह्यूमर नज़र आ रहा है सारा का सारा। रेटिना है जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दैट इज़ सप्लाइड बाय द सेंट्रल आर्टरी। सेंट्रल आर्टरी जो है दैट इज़ एंड आर्टरी, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ द ऑप्थैल्मिक आर्टरी, लेकिन ये सेंट्रल ऑप्टिक नर्व में से गुजर के फिर ये आती है और इंटीरियर सुपीरियर इन्फीरियर में डिवाइड हो जाती है, दिस इज़ द एंड आर्टरी, और इसमें गिविंग टू द ऑफ द नेजल द टेम्पोरल ब्रांचेज। और ये सिर्फ आर्टरीज डीपर लेयर ऑफ द इन 10 लेयर में से भी सिर्फ जो रेटिना की 10 लेयर्स हैं उनके भी सिर्फ डीपर लेयर को सप्लाई कर रही होती है, रॉड्स एंड कोन्स फिर भी इससे सप्लाई नहीं होते, दे टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ द कैपिलरीज ऑफ द कोरॉइड। अच्छा, इसके बाद जो आपकी बात आ गई ऑप्टिक नर्व भी हमने देख लिया, ऑप्टिक डिस्क फोविया सेंट्रालिस ये देख अच्छा जी, उसके बाद जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ बात दैट इज़ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या चीज़ है, देर इज़ अ फ्लूइड दैट इज़ मेड अप बाय द सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी एक फ्लूइड बनाती है दैट इज़ नोन एज द एक्वस ह्यूमर। यहाँ से हमारे पास फ्लूइड निकलता है दैट इज़ क्लियर फ्लूइड, और वो फिल करता है स्पेस बिटवीन द लेंस और आगे कॉर्निया, इसकी सारी स्पेस को जो है फिलअप कर रहा होता है टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। इस सारी स्पेस में जो फ्लूइड्स फिल्ड होता है दैट इज़ द एक्वस ह्यूमर, और वो एक्वस ह्यूमर जो होता है वो सिलरी बॉडी सिक्रीट कर रही होती है। जब सिलरी बॉडी सिक्रीट करती है तो वो क्या करेगा, इन बिटवीन द लेंस और आयरस के बीच में से गुजर के प्यूपिल के बीच में से गुजर के चला जाएगा इन बिहाइंड द कॉर्निया एट द कॉर्नियोस्कलरल जंक्शन। मैं बड़ी बड़ी डायग्राम देती हूँ यहाँ से कि सिलरी बॉडी ने सिक्रीट किया, अगर हम इसमें देखें ये लेंस है, ये आपका आयरस है और ये आपका कॉर्निया है। हम इस आयरस की प्रेजेंस की वजह से इस सारे एरिया को दो चैम्बर्स में डिवाइड करेंगे, एक चैम्बर बिटवीन द आयरस और द लेंस है, इसको आप कहोगे पोस्टीरियर चैम्बर, एक आपके पास चैम्बर है बिटवीन द आयरस एंड द कॉर्निया, इसको आप कहोगे एंटीरियर चैम्बर। तो ऐसे फ्लो कैसे करेगा एक्वस ह्यूमर, फ्रॉम द सिलरी बॉडी बना लेंस के इंटीरियर ये ट्रैवल करेगा इन बिटवीन द लेंस एंड दी आयरस, फिर प्यूपिल में से गुजरेगा, प्यूपिल में से जब गुजर जाएगा दैट इज़ गोइंग टू एंटर इनटू द इंटीरियर चैम्बर। अब जब ये फ्लूइड इधर गुजरा इंटीरियर चैम्बर में तो ये फ्लूइड ड्रेन मूव करेगा टुवर्ड्स द रीडो कॉर्नियल जंक्शन, आयरस
और कॉर्निया का जंक्शन जहाँ स्क्लेरा भी यूनाइट कर रहा था। हमने इसको कहा था रीड कॉर्नियो को स्क्लेरा के जंक्शन को कहा था कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, और पीछे से आप देखो तो उसको आयरिस भी यूनाइट कर रहा है। दिस पार्ट ऑफ द दिस इज नोन एज द जो हमने जंक्शन देखा था उसके बीच में एक कनाल ट्रेवल कर रही है। अगर देखो तो दिस कनाल इज ट्रेवलिंग, दिस कनाल इज द कनाल ऑफ श्लेम। ये कनाल ऑफ द श्लेम जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक्वस ह्यूमर स्क्रीट हुआ था बाई मीन्स ऑफ द सिल्वरी बॉडी वो पोस्टीरियर चैम्बर से थ्रू प्यूपिल फिर इंटीरियर चैम्बर में आया, इंटीरियर चैम्बर से सारा का सारा कैनाल ऑफ श्लेम में जाएगा और कैनाल ऑफ श्लेम से वेन्स में चला जाएगा और जनरल सर्कुलेशन में ड्रेन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर यानी आई बॉल के अंदर का प्रेशर मेंटेन रहेगा जो आई बॉल के अंदर जितना नेसेसरी है। अगर खुदा ना खास्ता इस एरिडो कॉर्नियल एंगल के ऊपर ये जो मैशवर्क बना हुआ है या एंगल ये जो है देर इज़ अ एंगल बिटवीन द आयरस एंड द कॉर्निया, ठीक है, ये जो आयरस और कॉर्निया है, आयरस है और जो कॉर्निया है दे आर एंगुलेटेड एज अ पर्टिकुलर एंगल जिसको एरिडो कॉर्नियल एंगल कहते हैं। इस एंगल को कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है जिसके बीच में से कैनाल ऑफ श्लेम ट्रैवल करती है। ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, कैनाल की पेटेंसी और इसका एंगल दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंट्राकुलर प्रेशर। अगर खुदा ना खास्ता सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए किसी भी वजह से या फिर जो है ना इसकी एंगुलेशन में या इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसकी वजह से क्या होगा कि सारा का सारा एक्वस ह्यूमर जो होगा इस वाले पोर्शन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इंट्राऑक्युलर जो है प्रेशर वो राइज करना शुरू कर जाएगा। जब इंट्राऑक्युलर प्रेशर इस आई बॉल के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि वो सारे के सारे रेटिना के ऊपर प्रेशर इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और ब्लाइंडनेस हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं ग्लूकोमा, जो आपने काला मोतिया का नाम सुना होगा। काला मोतिया बेसिकली इंग्लिश में या मेडिकल टर्म्स में इसको ग्लूकोमा कहते हैं और ग्लूकोमा इज़ डिफेक्टिव इन द एक्सक्रीशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर, यानी एक्वस ह्यूमर एक्यूमुलेट हो गया या किसी भी वजह से इंट्राऑक्युलर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसमें चाहे तो सिल्वरी बॉडी इरिटेट होने की वजह से ज़्यादा बनाना शुरू कर दे, चाहे बनना ज़्यादा शुरू हो गया या ड्रेनेज ख़त्म हो गई है, कि इसमें कोई कचरा ऐसा या कनेक्टिव टिश्यू की लेयर या एरिडो कॉर्नियल एंगल बंद हो गया या किनाल और श्लेम बंद हो गई है, किसी भी वजह से इस एरिया की पैथोलॉजी होगी कि एक्वस ह्यूमर ड्रेन प्रॉपरली नहीं हो सकता, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंगल ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा और एक्वस ह्यूमर विद इन द आई बॉल एक्यूमुलेट कर जाएगा। जो आई बॉल का ग्लोब था वो क्या करेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाहर तो स्क्लेरा थी, स्क्लेरा फाइब्रस टिश्यू है वो उसको नहीं बढ़ने देगी, जिसकी वजह से अंदर की तरफ से प्रेशर की वजह से रेटिना प्रेशराइज हो जाएगा। जब रेटिना प्रेशराइज हो जाएगा रॉड्स एंड कोन को तो पहले ही एवैस्कुलर सप्लाई है कि वो डिफ्यूजन से ले रही है, तो कंप्रेशन ऑफ द रेटिना की वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है एंड समटाइम दिस ब्लाइंडनेस इज परमानेंट। अच्छा, दूसरी बात जो थी, जो आपका सफ़ेद मोतिया जिसको कहते हो, सफ़ेद मोतिया इज बिकॉज ऑफ द लेंस, लेंस की जो ओपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, जो इसकी ट्रांसपेरेंसी या जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो कम हो जाती है और ओपेक होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द लेंस। उसकी वजह से जो ओपेसिटी ख़त्म होती है, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होती है लेंस की, दैट इज़ द सफ़ेद मोतिया, और काला मोतिया जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर विद इन द आई, और उसकी वजह से जो होती है वो ग्लूकोमा हो रहा होता है। फिर अगर हम देखें कि कॉर्नियल डिटैचमेंट कैसे होती है, डिटैचमेंट आपने याद रखनी कि डिटैचमेंट हमेशा जो है कॉर्निया और आई जो है कोरॉइड उसकी दोनों की पिगमेंटेड लेयर जो होती हैं इकट्ठी मिलकर डिटैच हो रही होती हैं। ये कहते हैं ना कान आँख का पर्दा फट गया, पर्दा इज बेसिकली द रेटिना। रेटिना और कोरॉइड के बीच में जब ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की वजह से कह लो कि ब्लीडिंग हो जाती है, दैट इज़ पर्दा फट जाना या रेटिनल डिटैचमेंट। ये देखो यूँ जब डिटैच हो जाता है तो ये अपने साथ कोरॉइड की लेयर भी लेकर आता है, कि कोरॉइड के बीच में बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लीड कर जाती हैं और रेटिना जो है वो उसकी जो फिक्सिटी होती है अलॉन्ग विद द कोरॉइड वो नहीं रहती है। उसके बाद हमने देखा कि और कॉर्निया जो है वो ग्राफ्ट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। क्यों हो सकता है? क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ अ एवैस्कुलर स्ट्रक्चर।
लेकिन कॉर्निया के पास जो है वो सेंसिटिव टू द पेन है, और ये सेंसिटिविटी जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैरिंग ऑफ द फाइबर थ्रू द फिफ्थ नर्व. बाकी सब जो आप देख रहे हो दैट इज़ अबाउट, देखो इसके साथ रिलेटेड कितनी नर्व्स आ गई. आप जब आप उसकी पेन सेंसिटिविटी देखते हो कॉर्निया की तो फिफ्थ नर्व है. जब पिपिलरी कंस्ट्रक्शन और डायलिटेशन देखते हो तो सिंपथैटिक और पैरासिंपथैटिक है. सिंपथैटिक बाय द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और जो पैरासिंपथैटिक है थर्ड क्रैनियल नर्व. सारे के सारे एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स आर सप्लाइड बाय द थर्ड क्रैनियल नर्व एक्सेप्ट द लैटरल रेक्टस विद सिक्स्थ नर्व से है, एंड सुपीरियर ऑब्लिक बाय द फोर्थ नर्व. तो इस मीन्स के ऑर्बिट के साथ या आई बॉल के साथ आपकी बहुत सारी मसल सारी की सारी इन्वॉल्व होती हैं. स्क्विंट या स्ट्रेबिसमस किसको कहते हो, स्ट्रेबिसमस या स्क्विंट जो होता है वो दैट इज़ द वीकनेस इन द मसल जो भेंगा हो जाता है, भेंगापन जिसको आईज में कहते हो, कि आई बॉल्स की डायरेक्शन दोनों की सिमेट्रिकल नहीं होती, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वीकनिंग इन द नर्व सप्लाई ऑफ द सर्टन मसल्स, चाहे वो थर्ड क्रैनियल नर्व की वजह से हो, फोर्थ की वजह से हो. जिस पर्टिकुलर मसल का स्क्विंट हो रहा है यानी लॉस ऑफ नर्व सप्लाई हो रही है उसकी वो स्क्विंट प्रोडक्शन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द दैट पर्टिकुलर नर्व. तो ये तो हमारा सारा का सारा आई से कंसर्न आई बॉल वो सारा ख़त्म हो गया. ऑर्बिट भी कर लिया हमने, उसके बाद लिड कर ली, लैक्रिमल एपरेटस कर लिया, एक्स्ट्राकुलर मसल्स उसकी मूवमेंट की, फिर हमने देखी उसकी सारी मेजर ब्लड वेसल्स नर्व्स, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल. ये हर पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर अपनी अपनी तर्ज में. इसमें से एस सी क्यूज भी बहुत आया करते हैं और एम सी क्यू भी बहुत आया करते हैं. ये मैंने तीन डिफरेंट चैप्टर से आपको लेके, बल्कि चार डिफरेंट चैप्टर जो हैं वो हमने ऑलमोस्ट कवर किए हैं. इसमें बोनी ऑर्बिट हो गया, लैक्रिमल एपरेटस, ऑर्बिट एंड द आई बॉल, ये चार डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए, जो अंडर हमने वन सब स्टेज कवर कर लिए टू कंप्लीट होल ऑफ द आई. तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, होपफुली आपको समझ आ गया होगा.